तो क्या योगी के मंत्री जनता को कुत्ता या गधा समझते हैं? क्योंकि वो कहते तो कुछ ऐसे ही। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद बलिया में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने बलिया के लोगों की तुलना जानवरों से कर डाली। उन्होंने क्या कहा सुनिए। कुत्ते के बच्चे को छेड़ो, उसकी मां दौड़कर मांस निकाल लेती है। कुत्ते के अंदर अपने बच्चों के प्रति प्रेम है। लेकिन आपके हिस्से पर अभी थाने में चले जाओ, एक तुम्हारा कोई होमगार्ड नहीं है। किसी कचहरी में चले जाओ, इसी कचहरी में बगल में कोई बाबू तुम्हारी बिरादरी का नहीं है। चले जाओ बीडीओ ऑफिस में, ब्लॉक पर कोई चपरासी नहीं है। चले जाओ डीएम ऑफिस में, कोई क्लर्क नहीं है। किसी भी विभाग में जाओगे तो अपने को जीरो पाओगे। क्या बेईमानी किया, क्या तुम लोगों ने कौन सा काम कर दिया कि उनके बच्चे हीरो हो गए? तुम्हारे बच्चे जीरो हो गए। तुम्हारे बच्चे पेंट पॉलिश के लिए दिल्ली जाते हैं, तुम्हारे बच्चे मजदूरी करने के लिए जो है गुजरात जाते हैं, तुम्हारे बच्चे पैसा कमाने के लिए बंगलोर जाते हैं, तुम्हारा आदमी दिन भर शाम को बच्चों का भोजन मिले उसके लिए बलिया में आकर मजदूरी करता है। समझ जा। अरे यार, गधे को भी देख लो तो गधे के पीछे खड़े हो जाओ। जो सबसे दुनिया में दिमाग का पंचर है, जो सबसे खराब कहते हैं गधा, जो जिसके पास दिमाग नहीं होता उसे गधा कहते हैं, उसके पीछे खड़े हो जाओ तो गधा भी समझता है कि साला दुश्मन खड़ा है, पहले लाओ दो लात लगा लो तब दुश्मन को देखा जाएगा। ये है। तो सुना आपने, और क्या आपको समझ में आया कि कुत्ते और गधे का उदाहरण देकर संजय निषाद अपने समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? अब आप ही सोचिए कि जनता क्या है। नेताजी ये भी कह रहे हैं कि वो लोगों को बार बार गुस्सा दिलाने की कोशिश करते हैं, गुस्सा आए इसके लिए वो भगवान से दुआ भी करते हैं। मैं आप लोगों से निवेदन करने आया हूँ, बलिया के लोगों ने गुस्से में आए तो पूरे देश से अंग्रेजों को भागना पड़ा था। मैं बार बार आपके बीच में आता हूँ गुस्सा लगाने। जिस दिन बलिया के कार्यकर्ताओं को गुस्सा लग जाएगा, ये बेईमान पार्टियां उत्तर प्रदेश से भाग जाएंगी, कोई नजर नहीं आएगी। लेकिन आप लोग, गुस्सा कब आएगा वो मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ। कुत्ते के बच्चे को छेड़ दो, उसकी माँ दौड़ के मांस निकाल लेती है। कुत्ते के बच्चे को छेड़ो, उसकी माँ दौड़कर मांस निकाल लेती है। कुत्ते के अंदर अपने बच्चों के प्रति प्रेम है। लेकिन आपके हिस्से पर अभी थाने में चले जाओ, एक तुम्हारा कोई होमगार्ड नहीं है। किसी कचहरी में चले जाओ, इसी कचहरी में बगल में कोई बाबू तुम्हारी बिरादरी का नहीं है। चले जाओ बीडीओ ऑफिस में, ब्लॉक पर कोई चपरासी नहीं है। चले जाओ डीएम ऑफिस में, कोई क्लर्क नहीं है। किसी भी विभाग में जाओगे तो अपने को जीरो पाओगे। क्या बेईमानी किया, क्या तुम लोगों ने कौन सा काम कर दिया कि उनके बच्चे हीरो हो गए? तुम्हारे बच्चे जीरो हो गए। तुम्हारे बच्चे पेंट पॉलिश के लिए दिल्ली जाते हैं, तुम्हारे बच्चे मजदूरी करने के लिए जो है गुजरात जाते हैं, तुम्हारे बच्चे पैसा कमाने के लिए बंगलोर जाते हैं, तुम्हारा आदमी दिन भर शाम को बच्चों का भोजन मिले उसके लिए बलिया में आकर मजदूरी करता है। समझ जा। अरे यार, गधे को भी देख लो तो गधे के पीछे खड़े हो जाओ। जो सबसे दुनिया में दिमाग का पंचर है, जो सबसे खराब कहते हैं गधा, जो जिसके पास दिमाग नहीं होता उसे गधा कहते हैं, उसके पीछे खड़े हो जाओ तो गधा भी समझता है कि साला दुश्मन खड़ा है, पहले लाओ दो लात लगा लो तब दुश्मन को देखा जाएगा। ये है। और तुम्हारा दुश्मन 70 साल से तुम्हें लूट रहा है, तुम्हें बार बार गुमराह करके वोट लेके जाता है, 5 दिन पौधा पिलाता है, 5 दिन मीठ मीठ बतियाता है, तुम्हारा वोट ले जाकर अपनी सरकार बनाता है, तुम्हारा वोट लेकर वो अपना विधायक मंत्री बनता है, अब तो अपना दरोगा ला के तुम्हें 5 साल लती आता है। केवल 5 दिन पिलाता है, 5 दिन खिलाता है, 5 दिन बतियाता है।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।